सैनिक हैं जो आज परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और जंतर मंतर पर न्याय मांगने आए हैं। इनका मामला थोड़ा पेचीदा है, पेंशन का है, लेकिन किस तरीके से अफसर अन्याय करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ बैठे हैं। सर अपना नाम बताइए। जयसिंह घाटगे। जयसिंह जी, आप नागपुर से, महाराष्ट्र से हैं, जैसा कि हमने कल भी बात करी थी आपसे, हजारों लोगों ने कमेंट किया है आपके साथ अन्याय के लिए, सैनिक सारे समर्थन में आ गए हैं आपके साथ, क्या लगता है आज आप अलग अलग मंत्रालय गए तो कैसा आपका लगा? एक गेट से लेके, एक नंबर से लेके 9 गेट तक घुमाया मुझे, लेकिन अंदर का पूरा जाने को मौका ही नहीं दिया किसी ने। मतलब एक सैनिक को, पूर्व सैनिक को, जिसने देश के लिए बलिदान के लिए तत्पर रहा, उसको दिखाया और अंदर तक घुसने का मौका नहीं दिया। क्यों? मैंने उनको सर्विस बुक भी दिखाया, ये नहीं चलता बोले हमारे आर्मी में, बोले बोला ये आर्मी का थप्पा लगा हुआ है, आर्मी क्वार्टर का बोला उसके ऊपर, बोला तो ये फोटो लगाया हुआ बोला, तो तभी बोले हमको नहीं, हमने वो नया रूल निकला बोले तो आई कार्ड चाहिए बोले, बोला आई कार्ड आपके बोर्ड ने दिया नहीं, बोला सैनिक बोर्ड ने। अच्छा, कि आपको अगर आई कार्ड नहीं मिला तो आप सैनिक नहीं है, सीधा नहीं, सीधा नकार दिया कि आप सैनिक ही नहीं है, ऐसा कह दिया? ऐसा ही कह दिया सर मुझे। सर तो मेरे पास पूरे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, सर्विस बुक है। कितने साल आपने जॉब की सैनिकों की? मैं 13 साल 9 महीना 10 दिन ड्यूटी किया हुआ है सर मैंने। और आप पेंशन की बारी आ रही है तो इस तरह से आपको परेशान करा जा रहा है? अंतिम समय जब हमारा आता है पेंशन का, तब उनको आर्मी रूल दिखाया जाता है, तब उनको घर भेज दिया जाता है। अच्छा। इनसे पहले वो कभी किसी को नहीं भेजा गया, तब वो आर्मी रूल निकालते नहीं, वो ना दिखाते कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। छुपा हुआ हथियार है जो सैनिकों के खिलाफ या जवानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सैनिकों के खिलाफ नहीं, ऑफिसर के खिलाफ, जवान है वो, ऑफिसर के खिलाफ हमारी कार्रवाई पूरे ऑफिसर के ऊपर। आप ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ ये अन्याय किया उनके साथ कार्रवाई करना चाहते हैं सर? और आपके न्याय की बात जो उठ रही है, क्या करेंगे आप, कैसे अब न्याय मिलेगा, कहाँ जाएंगे अब, आप कौन सा दरवाजा जाएंगे, क्योंकि PMO आप जा चुके सर, रक्षा मंत्रालय आप जा चुके और जगह जगह जा चुके, जंतर मंतर आप आ चुके सर, एक सैनिक को इतना परेशान होना पड़ रहा है, पैर में भी चोट है आपके, पैर में क्या दिक्कत है? पैर में ऑपरेशन है सर, पैर सूज गया पूरा पैर चल चल के। अच्छा, तो प्रॉब्लम चलने में प्रॉब्लम आ रहा अभी मेरे से। अच्छा, पहले ऑपरेशन हो चुका था मेरा। उम्र कितनी है? मेरा सर 63 उम्र है सर। 63 साल की उम्र में चलने में दिक्कत है और इतना परेशानी हो रही है, कुछ उम्मीद लग रही है कि सरकार सुनेगी सैनिकों की? अभी तक तो सुना नहीं सर, अभी सुनने सुनना चाहिए सरकार सर, इतना हमें सेवा करने के बाद जब हमारी हकीकत कर दिया, ये आखिरी समय हमारा आ गया, हम भगवान से यही चाहते कि हमारा आखिरी टाइम। जो सैनिक बैठे हैं OROP के अंदर, जिस तरीके से सरकार ने इनको पेंशन में एकदम भेदभाव कर दिया, ऑफिसर्स को आज माला माल कर दिया और जवानों के घर में कहते हैं राशन तक नहीं है, ऐसी व्यवस्था कर दी, उस पर क्या कहेंगे आप? उसके सर पूरे ऑफिसर, जो भी इंडियन ऑफिसर है सर, ये आज तक किसी की हुई नहीं है, ये सिर्फ अपना देख, अपने बारे में सोच करते ज़्यादा करके। जवान जब बॉर्डर में लड़ता है, जब बंदूक लेके चलता है, बर्फ में, बैंकर में सोता है, 150 रुपये महीने पगार के टाइम पे हमने सर्विस किया, आज वो टाइम पे 1 लीटर पेट्रोल आता है बता, वो टाइम सर्विस करने बाद हमने, हमारे पास जाने के लिए 1 रुपया नहीं बचता था, 2 महीने छुट्टी मिलता, 300 रुपये मिलता था हमको बस। अच्छा। वो पैसे में हमारे 300 में 2 महीना गुजारा कैसे करेंगे, वापस कैसे आएंगे, वापस कैसे जाएंगे ड्यूटी पे, ये कारण से हम लेट होते गए। तो हमारे पास 2 बार मैंने बगैर टिकट से आ चुका हूँ, मैं कश्मीर तक गया मैं बगैर टिकट से, लेकिन TT को बोला सर हाथ जोड़ के कैसे निकला वहाँ से, मैं बोले ठीक है जाओ, बोले कोई बात नहीं। देखिए कितना सैनिक को झेलना पड़ता है, फिर भी देश के लिए वो खड़ा रहता है, और सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं, क्यों सरकारें इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाती है सैनिकों के लिए, क्या दिक्कत है सर? सर जितना फैसिलिटी आर्मी के अंदर दिया गया है ओनली ऑफिसर को मिली है। अच्छा। कोई जवान को नहीं मिली आज तक, जवान उंगली दिखा के बुलाता है सर। हाँ। कोई भी जवान को जैसे जितना पहले एक कांड हुआ था कश्मीर साइड से। हाँ। कि दाल में पानी मिलता है, अभी तक फौज में क्या क्या कराते, फौज में क्या क्या करते सब मुझे मालूम है, मैं भी सप्लाई में ड्यूटी किया, ऑफिसर क्या करते वो भी मुझे मालूम था, लेकिन हम जवान का दिख जाता है उनको, जवान जान देता है और ऑफिसर मौज करते हैं, कहना चाह रहे हो आप? पूरा ऑफिसर मजा ले रहे हैं, ऑफिसर पूरे जवान बोला मरता है। अभी पेंशन में भी वही हाल हो रहा है सर, पेंशन में तो उधर जवान को हर जगह मारा जाता है, दबा के रखा जाएगा, आज तक इंडिया हिंदुस्तान में आर्मी के अंदर जवान को दबाया गया रखा हुआ है और अभी भी दबा के चल रहे अब, लेकिन अब पढ़ी लिखी जवान अभी आ रहे। अच्छा। अग्निपथ जो अभी जो भर्ती हो रही है वो सब पढ़ी लिखी है, पहले के जवान पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। ये कारण जवान दबके रहते थे अब उनके लिए OROP जो 1962 जो चाइना वार में जो हो गए वो लोगों को पेंशन बहुत कम है, एक्चुअली उन लोगों के लिए OROP है, OROP पैदा उठा है और कोई नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारों को और जवानों को जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
मैं जवान को तो यही कहना चाहूँगा कि आपके जो हालत अभी इस वक्त ये हालत है, जवान आप खुद देख रहे होंगे टीवी चैनलों के ऊपर, आप बॉर्डर में ड्यूटियां कर रहे, लेकिन आने के बाद आपका भी यही दशा होने वाली है, इसलिए मिल जाओ, इसलिए एक कट्टा हो जाओ। जवानों ने एक कट्टा होना चाहिए हर जगह पे, तभी एक बंद मुट सवा एक लाख की होती है। कह रहे हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जवानों को एकजुट हो जाना चाहिए और अपनी मांगों को पुरजोर लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहिए। सरकार को सुनेगी, क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार तो सरकार को सुनना पड़ेगा ये बात। आर्मी के भरोसे पूरा हिंदुस्तान चलता है। जब आर्मी में जवान लड़ते हैं तब जब आप सिविलियन पूरा घर में सोते हैं, उसके वजह से पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है आर्मी के वजह से। आर्मी की इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है सिविलियन की नज़र में, सरकारों को भी सम्मान करना चाहिए और आर्मी के जवानों को मान सम्मान और उनको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए? हक मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।